सरफिरा मूवी रिव्यू। सरफिरा फिल्म तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू की हिंदी रीमेक है, जिसमें अक्षय कुमार, राधिका मदान और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म का निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है, जिन्होंने मूल तमिल फिल्म का भी निर्देशन किया था। फिल्म की कहानी जी गोपीनाथ के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने भारत में पहली कम लागत वाली एयरलाइन की स्थापना की थी। अक्षय कुमार ने वीर महात्रे की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व सेना अधिकारी है और सस्ती हवाई यात्रा को वास्तविकता बनाने के अपने सपने के लिए संघर्ष करता है। राधिका मदान ने उनकी पत्नी रानी की भूमिका निभाई है, जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाती है। फिल्म की विशेषताएं। एक, अक्षय कुमार का प्रदर्शन। अक्षय कुमार ने वीर महात्रे के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है। उनका प्रदर्शन दर्शकों को उनके किरदार की कठिनाइयों और संघर्षों से जोड़ता है। दो, राधिका मदान की भूमिका। राधिका मदान ने रानी की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है, जो केवल एक सहायक किरदार नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक साथी के रूप में उभरती हैं। तीन, परेश रावल का अभिनय। परेश रावल ने एयर टाइकून परेश गोस्वामी की भूमिका निभाई है, जो वीर के सपनों के रास्ते में बड़ी चुनौती बनते हैं। चार, फिल्म की निर्देशिका। सुधा कोंगारा ने फिल्म को बहुत ही सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निर्देशित किया है, जिससे फिल्म के दृश्य और कहानी की गहराई बढ़ती है। कमियां। एक, संपादन। फिल्म का संपादन थोड़ी कमजोर है और इसे लगभग 20 मिनट छोटा किया जा सकता था। दो, गाने। फिल्म में गाने कहीं कहीं कहानी की प्रवाह को रोकते हैं और ध्यान भटकाते हैं। कुल मिलाकर सरफिरा एक प्रेरणादायक कहानी है, जो सच्चे संघर्ष और सफलता को दिखाती है। अक्षय कुमार का प्रदर्शन इस फिल्म को देखने लायक बनाता है।